नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। कबीर बेदी ने हाल ही में अपनी किताब स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर लॉन्च की, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए। पिछले कुछ दिनों से उनकी जिंदगी के ये खुलासे काफी वायरल भी हो रहे हैं। उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया है जब उनके जवान बेटे ने आत्महत्या कर ली थी और वो कुछ नहीं कर सके थे। कबीर बेदी ने अपने बेटे सिद्धार्थ के बारे में बताते हुए कहा कि वो महज 25 साल की उम्र के थे जब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अपने बेटे के शव को कंधा देते हुए कबीर उस दिन बिल्कुल टूट गए थे। एक इंटरव्यू में कबीर बेदी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि वो अपने बेटे की आत्महत्या की बात जानते थे, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाए। ये दर्द आज तक उन्हें अंदर ही अंदर तीर की तरह चुभता रहता है। कबीर ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में अपने बेटे के बारे में बात करते हुए कहा, सिद्धार्थ एक बहुत ही शानदार लड़का था, वो बहुत प्रतिभाशाली था, और फिर एक दिन अचानक वह चीजों के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। हमने बहुत कोशिश की ये जानने की कि आखिर दिक्कत क्या है, और 3 सालों तक हम अनजान चीजों में हाथ पैर मारते रहे, लेकिन इसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। कबीर बेदी ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि कुछ सालों तक सिद्धार्थ की बीमारी का पता नहीं चला, लेकिन फिर अचानक उन्हें अपने बेटे का बेहद गुस्सैल अवतार देखने को मिला और तब पता चला कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है। कबीर ने बताया, उसकी हालत दिन प्रतिदिन इतनी खराब हो रही थी कि हमें उसे शांत करने के लिए 8 पुलिस वालों की हेल्प लेनी पड़ती थी। फिर एक दिन डॉक्टरों ने बताया कि सिद्धार्थ को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। हमने कई सालों तक उसका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी हमने उसे खो दिया क्योंकि वो हमसे दूर रहना चाहता था। हमने काफी कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी कबीर बेदी ने अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि पढ़ाई के दौरान ही उनका बेटा सिद्धार्थ डिप्रेशन में चला गया था। उन्होंने शेयर किया, मेरा यही प्रयास रहता था कि मैं अपने बेटे के हर दिन को पॉजिटिव बना सकूं, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। वो खुद अपनी बीमारी के बारे में सर्च करता रहता था। एक दिन सिद्धार्थ ने मुझसे कहा कि उसे सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं। मैं ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना वो टीवी देखता था और ना ही वो नौकरी करना चाहता था। फिर एक दिन मैंने ईमेल चेक किया और हैरान रह गया था। उसने अपने दोस्तों को मेल किया था कि मुझे फेयरवेल देने आ जाओ, और फिर उसने सुसाइड कर लिया। उसने सिर्फ एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सका। ये दर्द मुझे आज भी अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। तो इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय और क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के हमें जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट के ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप अभी जुड़िए टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।